بسم الله الرحمن الرحيم अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड्स ऑफ ब्लॉसम्स। मेरे साथ में एक्सपर्ट मौजूद हैं शमशाद कुरैशी साहिबा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। ठीक ठाक हैं आप? अल्लाह का करम। आज के अरेंजमेंट के लिए शायद मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैंने देखा है कि इतना खूबसूरत सा स्टैंड है और मतलब इसकी जो अभी जो लुक मैं देख रही हूँ वही मुझे बहुत खूबसूरत लग रही है, तो इसको प्लीज़ हमें आप स्टार्ट करें, हमें बताएँगे क्या है ये। जरूर, इस तरह से आप स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक अरेंजमेंट है, मैं इसको ट्राई करूँगी, जो अपनी बेस्ट कोशिश करूँगी कि बहुत अच्छी इंशाल्लाह बने और इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। ये मैं आपको दिखाऊँ, ये मैंने ऐसे एक टपरी बांध के रखा था। ये मेरा स्टैंड है, एक रॉट आयरन का बना हुआ है। ये जो है ये एक वीव किया हुआ है, ये प्लांट्स का रूट्स होती हैं जो बहुत सारी निकलती हैं, और इसको मैंने इसको वीव किया है और इसको ये इस शेप में मैंने इसको कर लिया है। ठीक है। और उसके बाद ये ड्राई हो गया और इसको मैंने पेंट भी किया वाइट। ठीक है, आपने कर लिया, वरना तो ये वही है जो ड्राई पौधे का होता है शक्ल। ठीक है, एक प्लांट है उसका रूट्स है, इसी को मैंने इसके ऊपर टाइट कर दिया इस स्टैंड के ऊपर तार के साथ। आम टेक्निक है कि मैंने उसमें तार डाली और इसको मैंने टाइट कर दिया इसके ऊपर। ये मैं इसको बांध रही हूँ, इसको मैं कोशिश करूँगी कि फॉर्म हो जाए। रेड एंड वाइट का आपने कॉम्बिनेशन रखा है, वाइट का मैंने कॉम्बिनेशन रखा है, वाइट सिल्वर जी, हाँ वाइट इसको रखा है मैंने। ये इसको मैंने टाइट कर दिया इसके ऊपर ताकि वो जो आप कलर ब्रेकिंग का एक्सपेक्ट कर रहे थे वो चीज़ भी होनी चाहिए। सही है। और इसका दूसरा हिस्सा जो है ये ओसिस है, ये भी इसी तरह है कि ये पानी में गीला कर लिया, इसमें प्राण लग सकते हैं, इसको भी मैंने एक वायर के साथ टाइट कर दिया। ठीक है, इसको बांध दिया क्योंकि अगर मैं इसको नहीं बांधूंगी तो ये जब फूल लगाऊंगी हमारी लोकल नहीं होती, इम्पोर्टेड होती है, ये हम इसको बाहर की आती है, हम वहाँ से ख़रीद लेते हैं, हमारे यहाँ आम मिल जाती है फूल वाले की दुकान पर, सीड्स वाले की दुकान पर, हर जगह हमें मिल जाती है। है ये मैंने इसलिए बांध दी है कि जब मैं इसे फूल पत्ते लगाऊंगी, अगर मैं इसको नहीं बांधूंगी गिर जाएगा। ठीक है, वेट तो इसके अंदर कोई नहीं है, पानी डला हुआ है। सही तो है। इसको मैं अब अरेंज करने जा रही हूँ। क्या कोई नॉर्मल स्पंज भी यूज कर सकते हैं इसकी जगह? नहीं, उसमें फ्लावर्स नहीं जाएंगे, वो गीला नहीं रहेगा। अगर हम नॉर्मल स्पंज रखते हैं तो उसमें तो कोई चीज हम रोक तो नहीं सकते उसको, उसके अंदर फ्लावर रुकेगा नहीं क्योंकि वो वेट नहीं होता। ठीक है, ये आते ही फ्लावर्स के लिए कहलाता है, फ्लावर्स के लिए ही होता है ये। ठीक है, फ्रेश फ्लावर्स के लिए, क्योंकि गीला हो गया अब किसी पौधे को पानी की जरूरत नहीं, ये इसको पानी प्रोवाइड करेगा। ओके, और सर इसकी क्वालिटी है कि इसको पानी में सोक किया जाता है थोड़े टाइम तक, इसके अंदर 10-15 मिनट इसको सोक करते हैं पानी में, उसके बाद हम इसको बांध देते हैं। और ये इसके ऊपर हम, क्योंकि अगर ऐसे ही वायर से बांधूंगी तो कट जाएगा, रिबन बांध देते हैं, नेट लगा देते हैं, कोई भी चीज लगा के हम इसको मैंने बांध दिया है। सो वी नीड के हमारा स्टैंड चूके रेड है, तो हमने इसको वाइट कलर से सॉर्ट ऑफ सिल्वर कलर की रूट्स को पेंट कर लिया है और ग्रीन के कॉम्बिनेशन के साथ हमने इसको यूज कॉम्बिनेशन है। ये मैंने फिर वीव, मैंने वीव किया है, ये नारियल के पत्ते हैं, इसको बेबी लीव्स कहते हैं, इसलिए वाइट है वरना ये ग्रीन होते, ये जब नए निकलते हैं तो इसी कलर के होते हैं। ये मैंने इसको वेव किया है कुछ शक्लों में। आई थिंक सबको नारियल का प्लांट लगाना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करता है। ठीक है, और उसके बाद आप क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसमें से क्या क्या निकाल सकते हैं, क्या क्या। और ये जो चीजें आज ने वीव किए हैं, हम एक पूरा प्रोग्राम करेंगे उसमें हम इंशाल्लाह बताएंगे। ये मैंने किया इसको, ये इसको इसमें लगा रही हूँ,
इसको अभी किसी पारी की जरूरत नहीं है, मैंने इस पर कोई पानी नहीं डाला हुआ है, पारी में मैंने सोक किया हुआ था इसको रात से, लेकिन अभी मुझे कोई ज़रूरत नहीं पानी की, क्योंकि ये ऐसे ही रहेगा और बहुत दिन चलेगा और ये ड्राई हो जाएगा तो भी इस पर कुछ प्रॉब्लम नहीं होने। ठीक है, ये मैं इसको लगा रही हूँ यहाँ पर। आई थिंक इसको हम किसी कॉर्नर्स टाइप की ऐसी जगह पे रख सकते हैं ना, किसी भी कॉर्नर, किसी भी कॉर्नर में आप इसको रख सकते हैं, क्योंकि इसकी हाइट थोड़ी ज्यादा है, हाइट ज्यादा है इसकी। ये आई थिंक आप वाटर पॉम पाम जी, ये वाटर पॉम, ये मेरे पास ये वाटर पॉम है। ठीक है, तो आई थिंक ये कुछ बंच ग्रेफ जैसा लुक दे रहा है जो आपने वीव किए हैं। या ये वीव किया हुआ है और उसमें मैं, क्योंकि ये सारा वाइट और ग्रीन है, सारा ये ग्रीन है, तो मैं इसको आप देखेंगे कि ये जैसे ही पिंक कलर्स के अंदर आएगा इसकी खूबसूरती बढ़ जाएगी। ये कलर को कॉम्प्लीमेंट बहुत करेगा। और टेस्ट ट्यूब इज द टेस्ट ट्यूब इस पर डली हुई है, सिर्फ पानी डला हुआ है, इसको कोई वाटर की प्रॉब्लम नहीं है मेरे पास, क्योंकि यहाँ पे हम पानी इस पर मैं पानी नहीं डाल सकती, ये जगह नहीं है, इसमें मैं इसमें पानी नहीं डाल सकती, इसलिए मैं इसको ये मनी प्लांट है, इसको स्नेक मनी प्लांट कहते हैं, ये होल्स के साथ होता है, मॉन्स्टेरिया की एक उसी नस्ल में से एक वैरायटी है, लेकिन इसके छोटे लीव्स होते हैं और एक ज़ुबान में इसको छोटा मॉन्स्टेरिया भी कहते हैं, लेकिन इसको स्नेक मनी प्लांट भी कहते हैं। और ये भी यहाँ पे लोकली अवेलेबल है, मेरे घर में होता है, ये लोकली बहुत आसानी से अवेलेबल है और ये बहुत आसानी से ग्रो किया जा सकता है, इसमें कोई और मेरे ख्याल इंडोर प्लांट जो इसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट जो है वो मनी प्लांट है, मनी प्लांट होता है। ये भी सेमी शेड का है प्लांट, ये बहुत धूप नहीं बर्दाश्त करता, ठीक है, मनी प्लांट ही की तरह, और ये सेमी शेड में बहुत अच्छा ग्रो होता है और बड़ा खूबसूरती से। मनी प्लांट हमारे पास बहुत टाइल बहुत सारे शेड्स के बहुत साइज़ के अवेलेबल हैं जी, बहुत साइज़ के अवेलेबल हैं हमारे पास। इसको मैंने थोड़ा सा अपनी साइड पर कर लिया है क्योंकि ये हाइट इसकी ज़्यादा है, मुझे नहीं नज़र आ रहा था कि उस तरफ आपकी साइड से क्या हो रहा है इस पर, इसलिए मैंने इसको अपनी तरफ कर लिया है। थोड़ी देर में मैं आपको आप ही की साइड पर कर दूंगी इसको थोड़ा सा कंप्लीट करके। ये इसमें मैं यूफोबिया ये लगा रही हूँ, बेबी ब्रेथ लगा रही हूँ, आपकी साइड है।
आई थिंक वो लोग जो कि कंपैरेटिवली अगर किसी का घर छोटा है और उसमें उनको लगता है कि इतना स्पेस नहीं कि प्लांट्स लगा सकें, तो इस तरह की जो डेकोरेशंस होती हैं आई थिंक ये इसका एडवांटेज ये भी है कि ग्रीनरी भी ऐड कर देती हैं आपके घर में, और अगर आपके पास इतना स्पेस नहीं कि आप प्रॉपरली इंडोर प्लांट्स लगा सकें तो इस तरह की छोटी छोटी अरेंजमेंट्स अगर आप बना सकते हैं। लेकिन बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं वो आपको किसी वक्त बताएंगे कि जो बहुत छोटे घरों में बहुत आसानी से ठीक है आप लगा सकते हैं और अंदर रख सकते हैं, और उनको आपको रखने में कोई भी ऐसी मसला नहीं होता है। बट स्टिल मतलब आप प्लांट जरूर लगाएं ना। हाँ बिल्कुल, प्लांट लगाना रिसर्च तो ये है कि किसी पेशेंट के कमरे में रखें तो उसको हील करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहती है, बनिस्बत दवाइयों के साथ साथ ये ज़्यादा वर्क करता है। ये क्योंकि हमने वहाँ सारा कलर लगाया है, इसका रेड है, इसको भी कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हम इसको थोड़ा सा रेड टच भी दे रहे हैं। ये फिर मनी प्लांट है जिसको मैंने फोल्ड करके इसको स्टेपल किया है और इसको एक अपनी मर्जी की शक्ल दी है। और मेरे ख्याल से एक बार जब आप स्टार्ट कर दें प्रॉपरली बनाना शौक से ये सारी डेकोरेशंस, तो उसके बाद जो है आई थिंक आप को कुछ खुद भी क्रिएटिविटी ऑलरेडी जनरेट होने लग जाती है। खुद क्रिएट करनी ही पड़ती है, उसके अलावा ये है कि असूल यही है कि आप क्रिएट करें उसको। हम पहले ड्रॉ करते हैं, इनफैक्ट हम पहले असूल ये है कि हम पहले ड्रॉ करते हैं कि हमें क्या बनाना है, ठीक है, इसमें क्या अरेंजमेंट करेंगे, कहाँ क्या लगाने जा रहे हैं और कैसा कर रहे हैं, तो उसके बाद हम बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, जो आपने पहले भी जिक्र किया था पहले प्रोग्राम्स में भी कि लाइंस जो है उसको फॉलो करना पड़ता है, उसको हम बहुत ख्याल करते हैं उसका, उसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है। कभी कभी ये होता है कि हमें कभी नहीं बल्कि असली बात यही है कि हम पहले ड्रॉ करते हैं फिर हम अरेंज ठीक है, और ये नहीं करते कि हमारे मेरे हाथ में ये है, ये कंटेनर है और ये फूल है मैंने बनाना है, नहीं, सब चीज़ें मुझे मेरे जहन में होनी चाहिए कि अगर मेरे पास ये है तो फिर मैं कौन सा कंटेनर यूज़ करूँगी, मैं इसे क्या फूल यूज़ इस्तेमाल करूँगी और मुझे और उसके लिए क्या और चीज़ें चाहिएगी, वो सारे को पहले आपको अपने माइंड में सब कुछ सारी चीज़ें जहन में रखनी पड़ती हैं तो कर सकते हैं। वाइट फूल जी, वाइट फूल इसमें थोड़ा सा मैं वाइट टच देना चाह रही हूँ क्योंकि हमारे पास नीचे वाइट भी था। ये कौन से फ्लावर्स हैं? ये क्रिसेंथेमम है। ओके, ये फिर इम्पोर्टेड है, इसमें कुछ चीज़ें हम इम्पोर्टेड यूज़ करते हैं ठीक है, और कुछ चीज़ें पहले मैंने एक दफ़ा अरेंजमेंट बनाई थी उसमें मैंने हर चीज़ लोकल यूज़ करी थी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम बाहर की चीज़ें भी इस्तेमाल कर लेते, खूबसूरती होती है आपने दावत है, वरना आप चाहें तो अपने घर की चीज़ों से ही आप कर सकते हैं, अरेंजमेंट बना सकते हैं, उसमें कोई हमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ये बहुत ही मुझे इसकी रिजेम्बलेंस है रोजेस जैसी लग रही है जी, ये है ना, इसकी जो गफनेस है उसके जो जी पेटल्स है, हमारे यहाँ तो ये सिर्फ नवंबर दिसंबर में होता है ठीक है, लेकिन बाहर जहाँ मौसम अच्छा है सही वहाँ से ये हमारे पास आ रहा है। ऐसे प्लांट्स हैं जो जिनके लिए हमारा एनवायरनमेंट और हमारा जो सीजन आई थिंक वो जो है ना सूटेबल नहीं है। हमारे पास बहुत खूबसूरत होते हैं, हमारे पास क्रिसेंथेमम की पूरी एग्जीबिशन होती है ठीक है फरवरी के महीने में और जनवरी में, हमारे पास नवंबर दिसंबर में, दिसंबर में ब्लूम करता है हमारे पास, बहुत खूबसूरत होता है और बहुत अच्छा बड़ा ये क्रिसेंथेमम होता है, लेकिन हम जो है इसको इस मौसम में हमें इंपोर्ट करना होता है क्योंकि हमारे पास नहीं होता, ये हमारा मौसम इस वक्त
सूटेबल इसके नहीं लिए है इसके सूटेबल लिए। नहीं है, ये ठंडा मौसम मांगता है, तो उसमें हमें इसको बाहर से मंगाना पड़ता है। अच्छा, नॉर्मली जो फ्लावर्स वाले जितने भी प्लांट्स हैं ये ज़्यादातर जो है इनको सनलाइट की ज़रूरत होती है? जी होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन है? कुछ प्लांट्स को है इसको फुल सन चाहिए। ओके। लेकिन वेदर, हाँ विंटर चाहिए। ठीक है, विंटर चाहिए लेकिन फुल सन चाहिए इसको। अब हम इसको बस फिनिश कर रहे हैं, इसको बिल्कुल फिनिशिंग फिनिश उसके ऊपर रहे हैं। ठीक है, ये वही है कि जो चीज़ें वहाँ यूज़ करी हैं उसको कुछ ना कुछ पार्ट मैं यहाँ भी यूज़ कर रही हूँ, कि बैलेंस करने के लिए मुझे ज़रूरी है कि मेरे पास वो भी वो यूज़ करूँ कि जो मैंने वहाँ इस्तेमाल करी है। ये ज़रूरी नहीं है लेकिन उसका कोई ना कोई एक होना चाहिए, वाला तो होगा कि यहाँ रिलेशन शो करता है, रिलेशन शो करता है ये इसका। कंप्लीट है हमारी अरेंजमेंट? ये मेरी कंप्लीट अरेंजमेंट है। ठीक है, ये आज की अरेंजमेंट आपने देखा कि इट्स वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैंसी है, बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें यूज़ की हैं। आर्ट चाहे किसी भी फॉर्म में हो, आर्ट लर्न करना सीखना चाहे वो कुछ किसी भी फॉर्म में हो, बहुत ही ज़रूरी है हर इंसान के लिए। कोई ना कोई फॉर्म ऑफ आर्ट ज़रूर सीखिए इटसेल्फ। ये डेकोरेशन या अरेंजमेंट्स भी एक आर्ट ही की फॉर्म है, और हम कोशिश आपको यही करेंगे कि जितनी ज़्यादा नॉलेज इसकी दे सके हम आपको दें। इसी नोट के साथ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।